श्रीमद वाल्मीकि रामायणम अरण्य कांडम सप्त त्रिंशः सर्गः रावण प्रति सीता रामयोः प्रभावातिशयम् अनुवर्णयन् मारीचः सीता हरणं ते मरणमेवातस्ततो निवर्तस्त्वेति प्रार्थयते तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यं वाक्य विशारदः प्रत्युवाच महातेजा मारीचो राक्षसेश्वरम् सुलभ पुरुषार्जन सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पत्यस्य वक्ता भोक्ता च दुर्लभः नूनम बुध्यसेम महवीर गुण गुणोनतम अयुक्तचारश्पलो महेन्द्रवरुणोपम अ स्वस्ति भवत्तमी रक्षसा नक्रुद्ध कुोकान राक्षसा अभी ते जीविताय नोत्पन्ना जनकात्मज नवसन महत् अमीश्वर प्राप्य काम वृत्त निरंकुशम नवीन शेत्पुरी लंका सह स राक्षस काम वृत् दुशील पाप मंत्रि आत्मा स्वजनम राष्ट्रम स राज हि दुर्मति न छिता परतक्त न मर्याद कतंजन न लुब्धो न

तमरहसी रामो विग्रहवान धर्मह साधु सत्य पराक्रमह राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासवह कतम नुतस्य वैदेही रक्षिताम स्वेन तेजसा इच्छसे प्रसभम कर्तुम प्रभामिव विवस्तवत शरशीशमनादृश्यम चापक चा

तस्य वै नर सिंह से सिंहोर सिंहोरस्क भामिनी प्रियतरा भार्या निमुव्रत न सा धर्म दर्पय शक्या मैथिलोज योज खिन प्रिया दीप्त न दुता हुता शस्य शिखा सीता सुमध्यम किमुद्रम किमुद किमुद्यम व्यवर्तमी व्यवर्त ते राक्षसाधिप दृष्टश्चैत्वं रणे तेन उपजीवितं जीवितं च सुखं चैव राज्यं चैव सुदर् दुर्लभं चिरं भोक्तुम् मा कृता रामविप्रियं स सर्वैः सचिवैः सार्धं विभीषणम् उपस्कृतैः मंत्री स मंत्रि स धर्मीष्ठ निश्चय आत्मन च गुणा चार्य बलाबल आत्मन से राघव से तत्व हितवव निश्चि क्षम तम कर्मर्हसी अहम तो मं तव न क्षम रणे सामगत कौसलराज इदम ही भूय शुणुवाक्यम उत्तम क्षम च युक्त निशाचराधिप इशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे सप्तत्रिंशः सर्गः